नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के साइंस के चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका नाम है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के जो साइंस का जो चैप्टर नंबर सिक्स है, वो एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, की हमारे चारों तरफ के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज क्या होते हैं, कौन से प्लांट में क्या विशेषताएं मिलती है, कौन सा प्लांट कहाँ उगता है। तो हम उन जो प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज की इस वीडियो में उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि देखो, ए नीम ट्री, बोगनविलिया एंड ग्रास आर ऑल प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स के नाम है जिनमें, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बोगनविलिया हो गया, ग्रास यानी घास, ये कुछ प्लांट्स है। क्या है ये प्लांट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हमारे अर्थ पे एक ही प्रकार के प्लांट्स वगैरह नहीं मिलते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। ए गार्डन हैज़ मैनी प्लांट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, जैसे हमारे एक गार्डन होता है, ठीक है, एक बगीचा होता है, उस पर कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे के छोटे रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बड़े रहते हैं, उनकी ग्रोथ थोड़ी लंबी रहती है। जो बड़े प्लांट होते हैं वो मजबूत रहते हैं, उनसे लकड़ी वगैरह मिलती है, छोटे प्लांट बिल्कुल उनसे लकड़ी वगैरह नहीं मिलती है, वो बिल्कुल बिल्कुल मुलायम रहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइज होती है। द ग्रास इन द लोन आर आल्सो प्लांट, जिसे हमारे जो हमारा जो लोन है, ठीक है, हमारा जो गार्डन है उसके अंदर जो घास वगैरह रहती है वो भी एक प्लांट्स ही होती है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा प्लांट्स होता है, ठीक है। एंड इफ वी गो टू द विलेज साइड वी कैन सी अदर क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड ऑल अराउंड, कि जैसे हम बिल्कुल गाँव में जाते हैं तो हमारे गाँव में चारों तरफ खेत रहते हैं, उन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती है, ठीक है, उनमें जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एट ओवर होम्स एंड स्कूल आल्सो वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पोटेड प्लांट, प्लांट ग्रोन इन द पॉट्स आर कॉल्ड पोटेड प्लांट, जैसे हमारे घर पे और हमारे स्कूल में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के प्लांट्स वगैरह हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे स्कूल में हमारे घर पे जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम पोटेड प्लांट बोलते हैं, पोटेड प्लांट का मतलब होता है जिससे जो पौधे होते हैं जिनको हम सजावटी तौर पे अपने घरों में लगाते हैं ना, ये गमले के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं, पोटेड प्लांट। तो उनमें कुछ पोटेड प्लांट ऐसे होते हैं बिल्कुल छोटे रहते हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज़ के रहते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी होते हैं, उनके अलग अलग फूल वगैरह, ठीक है, उनमें उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे पास में जो पोटेड प्लांट होते हैं वो हमारे स्कूल में भी हो सकते हैं और हमारे घर पर भी हो सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हमारे जो चारों तरफ अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी अलग शेप होती है, साइज होती है, क्रॉप प्लांट होते हैं जो हमें फसलों में जो पौधे वगैरह उगते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, उनसे हमें अनाज वगैरह मिलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पोटेड प्लांट होते हैं, वो सजावटी पौधे ही, उनको सजावट के रूप में हम उनको काम में लेते हैं। उसमें उसके बाद में देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर, बियर का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। जो सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सब में क्या लगते हैं, फ्लावर, फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल। दे आर कॉल्ड फ्लोरिंग प्लांट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया कि जो पौधे जिनसे फूल लगते हैं, जिनके ऊपर फूल वगैरह लगते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है फ्लोरिंग प्लांट की जिनमें, जैसे रोज़ हो गया, ठीक है, और मैंगो हो गया, ठीक है, उसके बाद में नीम हो गया, बोगनविलिया हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, सनफ्लावर प्लांट हो गया, ग्रास, ठीक है, लेमन, वीट, ठीक है, मेज हो गया, ठीक है, चिल्ली हो गया, टोमेटो, तुलसी, पीपल, बेनियन का मतलब होता है जो बरगद वगैरह, बनाना, केला, शुगर केन मतलब जो गन्ने का पौधा, और पोटेटो, ये सारे के सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, फ्लोर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, फ्लोर मतलब इनके फूल वगैरह निकलते रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट, क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट। उसके बाद में देखो, सम ऑफ द प्लांट हाउ एवर डू नॉट बियर फ्लोवर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं
तो उनके क्या होते हैं, फूल वगैरह नहीं उगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट हो गए कि उनके फूल वगैरह नहीं लगते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन फ्लोरिंग प्लांट, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट का मतलब हो गया कि जो प्लांट होते हैं ठीक है उनके फूल वगैरह नहीं निकलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है, और फ्लावरलेस प्लांट, या तो हमको नॉन फ्लोरिंग प्लांट बोलेंगे, ये हम बोलेंगे फ्लावरलेस का मतलब होता है बिना फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लावरलेस प्लांट्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लोरिंग प्लांट, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं नॉन फ्लोरिंग प्लांट के जिनके पौधे होते हैं जिनके फूल वगैरह नहीं निकलते, जैसे इनमें हो गया फर्न का जो पौधा हो गया, ठीक है, मोसेस का मतलब काई, एल्गी का मतलब सेवाल, फंगी, ठीक है, लाइक मशरूम और कॉनिफर्स, ये जैसे पाइन, मतलब ये पाइन का जो ट्रीज होता है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ठीक है जिनके हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। नॉन फ्लोरिंग प्लांट का मतलब हो गया कि इनके फूल वगैरह नहीं निकलते रहते हैं, जैसे पाइन ट्रीज हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, मशरूम एक वाइट कलर का पौधा होता है, ठीक है, उसके बाद में एल्गी हो गया, मॉस हो गया, फर्न्स हो गया, ये कुछ छोटे ऐसे पौधे होते हैं ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फ्लावरलेस होते हैं, उनके किसी प्रकार के फूल वगैरह नहीं निकलते रहते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। अब देखो उसके बाद में देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स, हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि जो कुछ तो प्लांट होते हैं वो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं और कुछ होते हैं नॉन फ्लोरिंग प्लांट, तो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ठीक है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, हम उनको कैसे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको साइज़ के आधार पे, नेचर यानी प्रकृति के आधार, नेचर ऑफ स्टेम, उनका स्टेम कैसा है उनके आधार पे, हम लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, वो कितने समय तक जिंदा रहते हैं ठीक है, तो हम उनके आधार पर हम उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स तरीके से उनको उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो द प्लांट्स मे बी हर्ब्स, ठीक है, तो हमारे पास में जो प्लांट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स का मतलब होता है साग, सब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ और ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ये तीन टाइप के हमारे पास में जो प्लांट्स हो गए उनकी एक कैटेगरीज होगी कि हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज। वी विल नाउ डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट्स वन बाय वन, लेट अस स्टार्ट विथ हर्ब्स। तो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हो गए, तो हम उनको साइज़ के आधार पे, शेप के आधार पे, नेचर के आधार पे और लाइफ स्पैन के आधार पे हम उनको तीन तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हर्ब्स, उसके बाद में सब्स, उसके बाद में ट्रीज, ठीक है, ये हमारे पास में जो तीन टाइप के जो ट्रीज होते हैं हम उनको इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब तीन तरीके से हम पेड़ पौधों को क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है, किसके आधार पर, साइज़ के आधार पर, नेचर के आधार पर और लाइफ स्पैन के आधार पर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हर्ब्स से। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। हर्ब्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, डेलिकेट का मतलब होता है बिल्कुल मुलायम या लचीला होता है ठीक है, और क्या होता है बिल्कुल इनका जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, डेलिकेट होता है ठीक है। हर्ब्स डू नॉट है वुडी स्टेम, इनका जो तना होता है वो बिल्कुल वुडी, मतलब उनसे लकड़ी वगैरह हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जो लकड़ी होती है बिल्कुल ऐसी किसी काम के फर्नीचर के काम में नहीं होती, वुडी स्टेम लकड़ी उसकी नहीं होती है। दे आर नॉन वुडी प्लांट, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वुडी प्लांट। नॉन वुडी प्लांट का मतलब हो गया कि हर्ब्स के जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में जो जितने भी प्लांट्स आते हैं उनसे हमें लकड़ी वगैरह नहीं मिलती है, तो हम उनको बोलते हैं नॉन वुडी प्लांट्स। क्या बोलते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स। हर्ब्स एव ए ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, तो हम उनकी क्या होते हैं कि हर्ब्स होती है उनकी जो इनकी जो ग्रीन और उनकी जो स्टेम कैसी होती है, टेंडर वाली स्टेम होती है ठीक है। वी कैन ईजिली बैंड द स्टेम ऑफ हर्ब्स, हमारे पास में जो हर्ब्स होती है ठीक है उनकी जो स्टेम होती है हम उसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्या होती है, डेलिकेट स्टेम होती है उनकी, बिल्कुल मुलायम स्टेम होती है, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। ए हर्ब्स इस सोन इन फिगर है, अब नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे हर्ब्स हमारे किस टाइप के होते हैं, अगले फिगर में हम उनको दिखाएंगे। हर्ब्स आर शॉर्ट साइज प्लांट, वो बिल्कुल छोटे साइज के प्लांट होते हैं। हर्ब्स यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट, उनकी हाइट होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, एक मतलब 1 मीटर के जितने ही होते हैं हर्ब्स, उनकी जो हाइट होती है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती।
ठीक है, हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन बिल्कुल छोटा ही होता है, मतलब वो लंबे समय तक जीवित वगैरह नहीं रहते हैं। ठीक है, दे मे लीव फॉर वन और टू सीजन, मतलब या तो वो एक सीज़न मतलब 6 महीने, ठीक है, या दो सीज़न मतलब 12 महीने, मैक्सिमम इतने टाइम तक ही वो उनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, उनके लाइफ स्पैन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, अब उनके एग्जाम्पल्स होते हैं जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं जो प्लांट, वो कौन कौन से होते हैं, देखो जिसमें आ गए हमारे पास में टोमेटो, मतलब टमाटर का पौधा कैसा होता है, बिल्कुल हब्स की कैटेगरी में आता है, उसका जो स्टेम होता है बिल्कुल मुलायम होता है, स्टेम से ही उसके टेंडर स्टेम निकलने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, मस्टर्ड का प्लांट, ठीक है, उसके बाद में रेडिस का प्लांट, सनफ्लावर का प्लांट, वीट का प्लांट, पेडी पेडी का मतलब होता है राइस, राइस का मतलब क्या होता है, चावल वाला जो पौधा होता है, केबेज है, कैरोट है, ठीक है, जिंजर है, और टर्निप का मतलब होता है शलजम, ये सारे के सारे पौधे होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। देखो हर्ब्स का पौधा ऐसा होता है, वो 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये इसका स्टेम ऐसे होता है, इसकी एक ब्रांच यहाँ निकल गई, फिर एक ब्रांच से छोटी टेंडर इधर निकल गई, फिर एक ब्रांच इधर गई, फिर छोटी टेंडर इधर निकल गई, ऐसे होती है, उसकी एक बिल्कुल सीधी स्टेम नहीं होती, एक स्टेम से बहुत सारी स्टेम निकलने लग जाती है, उसकी टेंडर स्टेम होती है। ठीक है, तो हर्ब्स का पौधा इतना ही होता है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, जैसे हमारे पास में टमाटर का पौधा बिल्कुल इतना ही होता है, ठीक है, मस्टर्ड का पौधा भी इतना ही होता है, रेडिस का पौधा, सनफ्लावर का, ठीक है, वीट का प्लांट, ठीक है, पेडी और केबेज, ये सारे के सारे पौधे होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये डेलीगेट स्टेम होता है, टेंडर स्टेम होता है, ठीक है, और नॉन वुडी प्लांट होते हैं, इनके जो प्लांट होते हैं उनसे लकड़ी वगैरह हमको नहीं मिलती है। ठीक है, अब उसमें देखो, प्लीज़ नोट दैट थ्रू द स्टेम ऑफ द हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड डेलीगेट बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, तो हमारे पास में जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो लकड़ी तो हमें उनसे नहीं मिलती है, लेकिन उनकी जो बिल्कुल जो स्टेम होती है वो बिल्कुल मजबूत रहती है, जो उस पौधे को बिल्कुल खड़ा रखती है, ऐसे नहीं कि उसकी स्टेम बिल्कुल कमज़ोर रहेगी तो हवा आएगी और पौधा गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसकी जो स्टेम बिल्कुल मजबूत होती है, लेकिन उसको उस जो वुड है वो हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे फर्नीचर वगैरह ऐसे हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी स्टेम इतनी मजबूत ज़रूर होती है कि वो क्या है कि उस पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रख सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे लिया कि गेटिंग अबाउट नो अबाउट प्लांट के, हमारे पास में जो प्लांट्स होते हैं उनके किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके क्या क्या नेचर होते हैं, ठीक है, उसमें 3 टाइप्स के हमारे पास में जो प्लांट्स की जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी वो, जिसमें पहला आ गया हर्ब्स, फिर हर्ब्स और ट्रीज। तो हमने आज की इस वीडियो में हर्ब्स के बारे में पढ़ा कि हर्ब्स बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, और नॉन वुडी प्लांट होते हैं, उनसे लकड़ी वगैरह नहीं मिलती, उनका डेलीगेट स्टेम होता है, ठीक है, और टेंडर स्टेम होता है, और इनमें कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक मीटर, इनकी हाइट होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, जिसमें हमने इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे हर्ब्स के हो गए, टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब क्या होता है, शॉक। तो आज की इस वीडियो में हमने हर्ब्स के बारे में डिस्कस किया है।